नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपना नया टाटा विंगर 9 प्लस डी सीरीज को लॉन्च किया है ऑटो एक्सपो 2023 में, जिसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो में आप लोग को गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का गाड़ी का वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से बेल को जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह दोस्तों टाटा मोटर्स की ग्रीनर मोबिलिटी मल्टीपर्पज 2.2 लीटर डाइकर इंजन वाला टाटा विंगर, जिसका सीटिंग कैपेसिटी है 9 प्लस डी और इसका एक्सोरूम प्राइस दोस्तों अभी लगभग शुरू होता है 15.5 लाख रुपीज़ से, जो कि दोस्तों मॉडल और सीटिंग के हिसाब से वैरी करता है। लुक्स और डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में आपको बड़ा सा बम्पर मिलता है। फ्रंट नोज बड़ा होने की वजह से ये एक्सीडेंट टाइम में ड्राइवर को ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेफ्टी के साथ ये गाड़ी के लुक्स को और भी आई कैची बना देता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स, उसके साथ यहाँ पर एक बड़ा सा स्टैपिंग किया गया है, जो कि दोस्तों गाड़ी के आखिर तक आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं फ्रंट व्यू की, तो यहाँ पर आपको बड़ा सा क्रोम पैनल दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि दोनों साइड तक है और क्रोम के नीचे आपको DRLs जैसा दोस्तों कुछ देखने को मिलता है, मगर ये DRLs नहीं है। यह दोस्तों स्टाइलिश इसका टर्न इंडिकेटर्स और सेंटर में आपको टाटा मोटर्स का क्रोम फिनिश में लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। और यह दोस्तों टाटा विंगर का सिग्नेचर ग्रिल और उसके नीचे है विंगर का बैजिंग, जहाँ पर नॉर्मली नंबर प्लेट लगा जाता है। लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको बिग साइज हैलोजन बॉडी टाइप हेडलैम्प्स देखने को मिलता है। लाइट्स में इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है बिग साइज फॉग लैंप्स। गाड़ी के कुछ टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 185 मिलीमीटर, व्हील बेस है 3200 मिलीमीटर और गाड़ी का ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो गाड़ी का जो ओवरऑल लंबाई है वो 4940 मिलीमीटर, चौड़ाई है 1950 मिलीमीटर, जबकि ऊंचाई है 1860 मिलीमीटर और गाड़ी का GVW है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट, वो है 2710 kg। और बात करते हैं दोस्तों गाड़ी का प्राइसिंग के बारे में, तो अभी इसका एक्सोरूम प्राइस लगभग शुरू होता है 15,50,000 रुपीज से। अभी दोस्तों आपको इसमें स्लाइडर डोर्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों एक प्रोटोटाइप मॉडल है। सिर्फ इसी वजह से इसमें कोपलर साइड और ड्राइवर साइड दोनों साइड में डोर्स दिया गया है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका टैंक, जिसकी कैपेसिटी 60 लीटर। नीचे आपको बिग साइज फुट स्टेप भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यह दोस्तों इसका टायर्स, इसमें आपको 15 इंच का टायर लगा हुआ देखने को मिलता है और टायर साइज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि है 195 R15 टायर्स। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है MC% स्ट्रट विथ कॉइल स्प्रिंग, जबकि रियर में आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। और ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, जबकि पीछे आपको मिलता है ड्रम ब्रेक्स। बात करते हैं दोस्तों इसका रियर व्यू के बारे में, तो रियर से दोस्तों गाड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव आपको लगेगा। ऊपर आपको स्टॉप लाइट देखने को मिलता है, उसके साथ इसमें रिवर पार्किंग कैमरा भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है टाटा विंगर में। यह दोस्तों एक प्रोटोटाइप मॉडल है, एक्चुअल गाड़ी मार्केट में आने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें सभी चीज़ें रहेगा कि नहीं। और रियर में आपको पीछे टाटा का बैजिंग देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में विंगर का भी क्रोम फिनिश में बैजिंग आपको देखने को मिलेगा। और यह दोस्तों टाटा विंगर का स्टाइलिश रियर टेल लाइट्स और पीछे आपको यहाँ पर विंगर का बैजिंग भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगा हुआ देखने को मिलेगा और उसके साथ पीछे आपको 2 रिवर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों सीट की, तो इसमें आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का सीट दोस्तों देखने को मिलेगा। और इसके सीट अलाइनमेंट के बारे में यदि आपको बताऊं तो रियर में आपको मिलता है 3 सीट्स, उसके आगे है 2 सीट्स, उसके आगे भी आपको 2 सीट्स देखने को मिलेगा, जबकि पूरा आगे ड्राइवर के पास आपको D+2 सीट्स मिलता है। इस वजह से इसका टोटल सीटिंग कैपेसिटी हो जाता है 9+D। और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी बेहतर क्वालिटी का सीट्स मिलता है, जिसमें हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट और कप होल्डर आपको देखने को मिलता है और सेंटर में स्पेस रखा गया है पीछे जाने के लिए। और यह दोस्तों इसका कोपलर साइड का व्यू, जिसमें स्टोरेज में कोई भी कमी नहीं है, इसमें आपको भरपूर स्टोरेज मिलता है सामान रखने के लिए। लेग स्पेस भी आपको इसमें बहुत ही कम्फर्टेबल मिलता है। सीट का क्वालिटी भी दोस्तों इसमें आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, सभी सीट्स में आपको हेडरेस्ट दिया गया है। और यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको एक छोटा सा टच स्क्रीन भी आपको देखने को मिलता है डैशबोर्ड में, और उसके साथ ही ये आपको गाड़ी का बहुत सारे कंट्रोल, एसी का कंट्रोल, कूलिंग का कंट्रोल, सभी कंट्रोल्स आपको इसका डैशबोर्ड में देखने को मिल जाता है। ड्राइवर सीट भी दोस्तों इसका बहुत ही कंफर्टेबल है, लेग स्पेस में आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता। इसमें आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग विथ इको मोड, पावर मोड का ऑप्शन
और इसके साथ स्टेयरिंग व्हील के बीच में आपको टाटा मोटर्स का क्रोम फिनिश में लोगो देखने को मिलता है और इसमें आपको पार्टी एनालॉग विथ डिजिटल कॉम्बिनेशन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ इसमें आपको कोपाइलर साइड और ड्राइवर साइड दोनों साइड में दोस्तों हेडरेस्ट। इंजन की बात करें तो इसमें लगा गया है टाटा मोटर्स का 2.2 लीटर डाइकर इंजन जो कि मैक्सिमम 98.5 एचपी का पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम तक। और इसमें आपको मिलता है 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि 1000 से लेकर 3500 आरपीएम तक टॉर्क जनरेट करता है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 11 किलोमीटर पर लीटर जबकि एवरेज माइलेज आपको 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर तक आराम से मिल जाएगा। ये था दोस्तों टाटा विंगर 9+D सीरीज का डिटेल व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करने से शेयर भी जरूर करें। गाड़ी आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।